कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनकारी किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने जा रहे हैं। इसके लिए सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर सहमति बनने के बाद टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आने वाली सड़क पर एक साइड से बैरिकेडिंग हटा दी है। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनकारी किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने जा रहे हैं। किसान संगठनों का दावा है कि 26 जनवरी की सुबह तक ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए 1,00,000 ट्रैक्टर आ जाएंगे। रविवार रात तक टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 20,000 ट्रैक्टर पहुंच चुके थे। पुलिस ने सड़क खाली करने के साथ सुरक्षा इंतजाम सख्त कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। इसके साथ ही कुछ बंदिशों के साथ ट्रैक्टर परेड को अनुमति दी गई है। दिल्ली पुलिस ने शर्त रखी है कि एक ट्रैक्टर पर 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे। बाकी शर्तें तय करने के लिए किसान संगठन और पुलिस सोमवार को बात करेंगे। किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए 25 जनवरी की शाम को परेड वाले इलाके की सारी दुकानें बंद करवा दी जाएगी। रिहायशी इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इसके साथ ही आसपास की सड़कों पर भी डायवर्जन का प्लान तैयार किया गया है। ट्रैक्टर परेड के लिए किसान सोशल आर्मी के 1,000 वॉलंटियर्स परेड वाली सड़कों पर तैनात रहेंगे। वॉलंटियर्स की सूची पुलिस को दी जाएगी। ये सभी वॉलंटियर ड्रेस कोड में होंगे। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।